कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है, जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए भाई? जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? कुछ तो होगा ना। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं? और मैंने तो सुना है कि नेता यहां के दबी जबान में हमारे यहां मैसेज पहुंचा रहे हैं, हम भी देख लेंगे, हम भी तुम्हारे यहां कहीं पैसे रखवा दे करके पुलिस भेज देंगे। ये धमकियां किसको दे रहे हो? ये किसको डरा रहे हो? ये जनता है, सब कुछ जानती है। मोदी को तो ये कांग्रेस ही दिन रात गालियां देते हैं। हर दिन मैं 2-2.5 किलो गालियां खाता हूं, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री अब देश की जांच एजेंसियां, देश के सुरक्षा बल उनको भी गाली देने लगे हैं। इन साथियों पर भी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों और बहनों को कहूंगा, ये मोदी है गालियों से डरता नहीं है। भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा है। जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीब को लूटा है उस पर कार्रवाई होके रहेगी, उसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। पीएससी घोटाले और महादेव ऐप घोटाला तो चर्चा में है ही, कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। अगर मैं भी बोलने जाऊंगा हर घोटाले की वर्णन, तो शायद मेरा अगला कार्यक्रम लेट हो जाएगा। 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला, याद है ना आपको? याद है कि भूल गए हो? 5000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का गोठान घोटाला, 700 करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला, 500 करोड़ रुपए का चावल कस्टम मिलिंग घोटाला, सैकड़ों करोड़ रुपए का कोरोना केसेस का घोटाला। छत्तीसगढ़ को लूटने का कांग्रेस ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे घोटालों की सख्ती से जांच की जाएगी। आपका पैसा लूटने वालों को जेल भेजा जाएगा। साथियों, कांग्रेस ने गरीब को धोखे के सिवाय कभी कुछ नहीं दिया है। हमारे देश का गरीब गरीबी हटाओ के नारे सुन सुनकर सामाजिक न्याय की थोथी बातें सुन सुनकर थक चुका था,
और इस वायदे के नाम पर कांग्रेस द्वारा साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी देश के गरीबों का भावनात्मक शोषण करते रहे। हर गरीब सोचता था कि कम से कम मेरा बच्चा तो गरीब नहीं रहेगा, लेकिन कांग्रेस के झूठे वायदों ने हमेशा उसे और उसके बच्चों को गरीब बनाकर के ही रखा। इसलिए भारत का गरीब आत्मविश्वास खो रहा था, निराशा के ढेर में दबा जा रहा था। कांग्रेस का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए और धन्ना सेठों के लिए है। गरीब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वोट है। इसलिए कांग्रेस गरीब की कभी कद्र नहीं करती, उसे गरीब का दुख दर्द कभी समझ नहीं आता। और इसलिए जब तक कांग्रेस केंद्र सरकार में रही, वो गरीबों के हक का पैसा लूटकर खाती रही, अपने नेताओं की तिजोरी में भरती रही। मेरे भाइयों और बहनों, 2014 में सरकार में आने के बाद आपके इस बेटे ने गरीब कल्याण को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया। हमने अपने गरीब भाई बहनों में ये विश्वास पैदा किया कि उनकी गरीबी दूर हो सकती है। वो जो गरीबी में जिंदगी जिए हैं, उनके बच्चों के नसीब में वो गरीबी नहीं रहनी चाहिए। हमने ऐसी ऐसी नीतियां बनाई कि हर गरीब अपनी गरीबी का, उस गरीबी को खात्मा करने का, उस गरीबी को पराजित करने का सबसे बड़ा सिपाही बन करके मोदी का साथी बन गया। भाजपा सरकार ने बहुत धैर्य से काम किया, बहुत ईमानदारी से काम किया। मोदी के लिए देश की सबसे बड़ी जाति एक ही जाति है, और मोदी का ये बार बार कहना कि अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है, वो जाति है गरीब। जो गरीब है ये मोदी उसका सेवक है, मोदी उसका भाई है, मोदी उसका बेटा है। भाजपा सरकार ने जो नीतियां बनाई उससे आज देश में गरीबी कम हो रही है। हमारे सेवा काल में सिर्फ 5 साल में ही 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जो गरीबी से बाहर निकले हैं वो आज मोदी को कोटि कोटि आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए गरीबों की ये एकजुटता, आज गरीब एकजुट हो रहा है, गरीब नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है, और गरीब तय करके बैठा है कि वो अपने संतानों के पास गरीबी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। और इसलिए गरीबी की लड़ाई में, गरीबी को परास्त करने के लिए आज गरीब एकजुट हो रहा है। गरीब एक जाति के रूप में साथ आकर के, कंधे से कंधा मिला करके गरीबी से बाहर निकालने के लिए मोदी की महासेना बन चुका है। लेकिन ये जो गरीबों की एकता है ना, गरीब ने जब अपनी एक ही जाति मान ली है गरीब,
तो ये राजनीतिक दलों के पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। उनको लगने लगा है कि गरीब की एक ही जाति अगर इकट्ठी हो गई, अगर एक ताकत बन गई, तो आज तक झूठ चलाने वालों की दुकानें बंद हो जाएगी। ऐसे राजनीतिक दलों की दुकान चलाने के लिए उन्होंने नए खेल खेले हैं। अब गरीब को भी बांटना, गरीब की एकता को तोड़ना, गरीब के सपनों को विच्छित कर देना, गरीब को ही आपस में लड़ा लेना, एक नया खेल शुरू किया है। इसलिए राजनीतिक दल गरीबों की एकता तोड़ने के लिए नए नए षड्यंत्र कर रहे हैं, नई नई भाषाएं बोल रहे हैं, जातिवाद का जहर वहां घोल रहे हैं। इसलिए मैं आज आपको इन सभी राजनीति दलों से आगाह कर रहा हूं, हमें गरीबों की एकता तोड़ने वाली हर साजिश को एकजुट होकर नाकामयाब करना है। हम गरीबों की एकता को मजबूत करना है, हमें मिलकर गरीबी को परास्त करना है। मेरे परिवारजनों, आत्मविश्वास से भरे हुए गरीब से, स्वाभिमान से भरे हुए गरीब से कांग्रेस नफरत करती है। कांग्रेस हमेशा चाहती है कि गरीब हाथ फैलाए, उसके सामने खड़ा रहे, इसलिए वो गरीब को गरीब बनाए रखना चाहती है। इसलिए केंद्र की भाजपा सरकार गरीब के लिए जो भी काम शुरू करती है, यहां की कांग्रेस सरकार उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। आप देखिए, पूरे देश में गरीबों के लिए पीएम आवास योजना से करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। इन घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम भी होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल से ठान के बैठी है कि मोदी को गरीबों के घर वो नहीं बनाने देंगी। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, जैसे आपने पिछले 5 साल से कांग्रेस का अन्याय झेला है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को झेला है, कांग्रेस के भाई भतीजावाद को झेला है, अब मेरे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों, मुझ पे भरोसा करो। अब सिर्फ 30 दिन बाकी है, सिर्फ 30 दिन बाकी है, फिर आपको ये मुसीबत से मुक्ति मिलने ही मिलने है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और भाजपा की सरकार बननी तय हो जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, भाजपा सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवारों को तेजी से पक्के घर मिलेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.